हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 से लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर के आ रही है, जिसके आधार पर हम आपके साथ ये डिस्कस कर पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने का चांस है, साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी तक आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म के जो अप्लाई करने की डेट थी वो 15 जून थी, जो कि आज लास्ट डेट थी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है या कोई आपका सगा संबंधी है, कोई साथी वो छूट गया है, उसको बता दीजिए कि आवेदन की जो तिथि है वो 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो डियर फ्रेंड, जब आवेदन की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि 15 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने का कोई भी चांस नहीं है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ थंबनेल पर हमने 3 चीज़ें लिखी हैं कि फॉर्म आवेदन की तिथि बढ़ी। ये तो कंफर्म हो गया कि अब जो लोग आवेदन कर लिए हैं, ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अब बात होती है डियर फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम जब भी होगा 15 जुलाई के बाद ही होगा। तो ये भी मान के चले कि अगर 15 जुलाई के बाद होगा तो पूरी संभावना है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम जाएगा, उससे लेट भी डियर फ्रेंड्स हो सकता है। अगली बात ये कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के 1 वीक पहले हमेशा एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, क्योंकि अब एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव वे में अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव ये है कि आपको प्रिपरेशन करने की थोड़ा और ज़्यादा मौका मिल गया है, थोड़ा और समय मिल गया है, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल DD मैथमेटिकल सोल्यूशन पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। इस समय आप लोगों को मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक 7 AM पर और एक 11 AM पर। कभी कभी सारे लेक्चर्स नहीं हो पाते हैं, उसका रीज़न है कि कंफर्म डेट का ना आना। लेकिन प्रीवियस ईयर के और इस ईयर के भी बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं या कर सकते हैं। बाकी रेगुलर लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो अपडेट हमने आपको देने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी आप अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन भी बेटर कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ये शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।